गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट कोड डिकोड वाली गेम खेली थी, आज भी हम एक गेम खेलेंगे जो इसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कि आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है। जो पैटर्न्स के हिसाब से आपको कुछ दिया हुआ रहता है, डिज़ाइंस है, नंबर्स है, जो कुछ भी उसे आपको फॉलो करना है और पैटर्न कंप्लीट करनी है। इसमें आपको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप ये आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, रीजनिंग है तो यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स में मैंने पैटर्न्स अलग अलग तरह की रखी है, आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे नंबर 1 में 3, 6, 12। अब इसमें आपको पता चला कि इसमें कौन सी पैटर्न का यूज़ हो रहा है। देखिए, यहाँ पे डबलिंग नंबर 3 का डबल करके हमें 6 मिलता है, 6 का डबल करके हमें 12 मिलता है। तो यहाँ हमने लिखा 24, जो कि 12 का डबल है। फिर नंबर 2 में जाते हैं, ACE, इसमें कौन सी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ है स्किपिंग मेथड, मतलब वन नंबर या वन अल्फ़ाबेट स्किप मेथड, जैसे कि A, फिर हमने B को स्किप आउट कर दिया, C, D को स्किप आउट किया, E, F को स्किप आउट करने के बाद हमें मिलता है आंसर G। नाउ थर्ड वन, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें कौन सी पैटर्न है। तो पैटर्न में क्या है, कॉर्नर्स बताए गए हैं कि यहाँ पे 3 कॉर्नर्स इन द ट्राइंगल, देयर इज 3 कॉर्नर्स, उसके बाद 4 कॉर्नर्स वाला स्क्वायर हमने किया, यहाँ पे 5 कॉर्नर्स है, मतलब 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स बढ़ते जाते हैं, उसके हिसाब से आपको पैटर्न रखनी है। तो हमने यहाँ पे 6 कॉर्नर्स वाला डायमंड रखा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ओके। नाउ नंबर 4, डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो। अभी कौन सा एरो मिस है बच्चों? डाउन और अप तो है, राइट है, तो हमारे पास कौन सा एरो नहीं है, लेफ्ट एरो। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट एरो रखा, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। नंबर 5, 2 बॉल्स आर देयर, अगेन 1, 2, 3, 4 बॉल्स, 3 बॉल्स जो कि नहीं है, यहाँ है 4 बॉल्स, फिर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 बॉल्स से 5 बॉल्स नहीं बताया गए, मतलब 2, 4 and 6, 1 नंबर्स लेस करके आपको करना है, 2, 4, 6। अभी हमें 7 बॉल्स नहीं बनाने, उसकी जगह हमें 8 बॉल्स बनाने हैं, 2, 4, 6 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो ये हमारे 8 बॉल्स हुए, ये सारे इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, 8, इसे इवन नंबर्स कहते हैं। फिर यहाँ देखिए बच्चों, स्मॉल बॉक्स, बिग बॉक्स, उससे भी बिग बॉक्स, और यहाँ हम उससे भी बड़ा बॉक्स करते हैं। अभी मैं बच्चों आपको अगर बोलूँ कि इस बॉक्स में मैंने एक पैटर्न यहाँ पे इस तरह से की, एक यहाँ पे इस तरह से पैटर्न मैंने की, एक यहाँ पे इस तरह से पैटर्न की, तो अभी कौन सा बॉक्स जो है वो खाली रहता है पैटर्न के लिए, फर्स्ट फिलअप, सेकेंड, थर्ड, तो ये खाली रहता है, तो हम यहाँ पे पैटर्न फिलअप करेंगे। हुआ ना हमारा पैटर्न 1, उसके बाजू वाले में हमने पैटर्न किया, उसके नीचे वाले में ठीक पैटर्न किया, तो ये बॉक्स हमारा खाली रहा जो कि हमने यहाँ पे फिलअप किया। फिर नंबर 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन्स आर देयर, 1, 2, 3 and 4, 4 लाइन्स आर देयर, 1, 2 and 3, 3 लाइन्स आर देयर, 5, 4 and 3,
डिसेंडिंग नंबर्स के हिसाब से हमें यहाँ पैटर्न कंप्लीट करनी है। 5, 4, 3, तो यहाँ होगी हमारी 2 लाइन्स। फिर फर्स्ट 1 एंड 2 एक ही डिज़ाइन है, फिर उसके जैसी 2 डिज़ाइन, उसके जैसी 3 डिज़ाइन, 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या करना है, फोर्थ 4 करनी है डिज़ाइंस, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम यहाँ जाते हैं नंबर 9 में, जो कि अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। ए को 1, बी को 2, सी को 3, ए बी सी, तो उसके बाद क्या आता है, डी, 1, 2, 3, तो यहाँ होगा हमारा 4, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 10 नंबर, ई के साथ एफ को मिला दिया, वापस हमने एफ लिख के जी लिखा, जी लिख के एच लिखा, तो यहाँ बच्चों क्या होगा हमारा, एच रिपीट होगा और हम आई लिखेंगे, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच एंड आई। मैं आपको एक और बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 11, 22, 33, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 44। देखिए डबल टाइम्स हर एक नंबर को लिया गया है, 1 को 2 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 4 को 2 टाइम्स लिया, 11, 22, 33 एंड 44। तो बच्चों इसी तरह से इस गेम को खेलना है, आप कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइंस, कोई भी मैथमेटिकल ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप ये गेम अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, मज़ा आता है। तो बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।